आज अर्चना नृत्यालय को 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी कारण आज ये एक बहुत ही बड़ा ऐसा समारंभ यहाँ पे आयोजित किया गया है और उस समारंभ के लिए अर्चना ने, आशाताई की जो पुत्री हैं, कन्या हैं, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ क्योंकि इसी वजह से बहुत सालों बाद, बहुत अरसे बाद आशाताई के दर्शन भी हुए और उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिला। मेरी शुभकामनाएं, मैं आशाताई को देने इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन अर्चना को और अर्चना नृत्यालय को मेरी शुभकामनाएं अवश्य देना चाहूँगा। आशाताई के बारे में अगर कुछ कहूँ तो जितना कहूँ उतना कम होगा, क्योंकि उनका योगदान मतलब 50 साल में जो है वो लेखनीय है और उनमें एक शिक्षक कैसे होना चाहिए ये दरअसल उनसे सीखे कोई, क्योंकि शिक्षक हमेशा शिष्य को बनाता है, शिष्य अनगिनत शिष्य वो पैदा कर सकता है, बना सकता है, लेकिन आशाताई में वो क्षमता है कि वो गुरु बना सकती हैं। ऐसे अनेक गुरु उन्होंने बनाए हैं कि जिनकी शाखाएं और या जिनका नेतृत्व जो है वो बहुत सारे शिष्यों को आज प्राप्त हो रहा है, और वो गुरु जो बनाए हैं वो आशाताई ने बनाए हैं। आशाताई को शत-शत प्रणाम करता हूँ और इस 50 वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 15 साल की हो गई थी ना, तब मुझे हेल्प करती थी क्लास में सिखाने के लिए, तो मैं कहती थी ऐसे हेल्प मुझे नहीं चाहिए मुफ्त में, तो कुछ ना कुछ मैं उसको देती थी, वो जमा करके गुरु पूर्णिमा को कुछ खरीद के मुझे देती थी। मैं बोले ऐसे मुझे नहीं चीज चाहिए, जो कुछ मैंने सीखा है उसमें से कुछ नया बनाओ और दे दो, वो मेरी गुरु दक्षिणा हो गया। तब से हर साल देती रहती, मैं इन सबको वो ही बोलती हूँ, लेकिन ये लोगों ने क्लास खोला है, क्लास का प्रोग्राम देखने मुझे बुलाते तो मुझे वो अपनी गुरु दक्षिणा ही लगती है। कुछ कुछ अभी इसका प्रोग्राम देखा, कुछ कुछ आइडिया इतनी अच्छी थी उसके। मैं अभी किसी को कह रही थी कि जैसे क्रिकेट के मैदान पे हम लोग सेंचुरी लगा लेते हैं तो हम लोग खूब तालियां मारते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि वो सेंचुरी तो बस गेंद उतनी बार सीमा पार हुआ या उतने बार रन्स निकाले गए, लेकिन ये सेंचुरी, हाफ सेंचुरी मतलब 50 साल, कितनी पीढ़ियाँ इसमें बन गई है। और मेरी गुरु जो है माँ मेरी, उनके बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि इतनी अच्छे नर्तकों की पीढ़ियाँ उन्होंने बनाई हैं। और जहाँ तक हमारी एकेडमी का सवाल है, अर्चना नृत्यालय आज US में भी बसा हुआ है, और वो तो होता ही है कि जो नृत्यालय के प्रमुख होते हैं उनकी एनर्जी, उनकी उम्र और उनकी काम करने की क्षमता के मुताबिक वो नृत्यालय की बढ़त या घटत होती है। और आज ऑब्वियसली मैं वहाँ हूँ, तो आज अमेरिका का जो अर्चना नृत्यालय है वो फिलहाल बम्बई के अर्चना नृत्यालय से कहीं ज़्यादा पावरफुल और भारी बन चुका है। और मैं आज अभिमान के साथ ही कह सकती हूँ कि US के पूरे ईस्ट कोस्ट पर इतनी ऊंचाई प्राप्त की हुई है, एक में वो कथक नृत्य संस्था है, और जहाँ USA में एडमिशन के लिए वेटिंग लिस्ट चलती है। मेरे लिए अपनी मातृभूमि नहीं है तो मेरे लिए मायके आने वाली बात होती है कि जब मैं इंडिया आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं मायके आ गई। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अपनी भारत की ज़मीन पर जैसे ही कदम रखती हूँ तो वो कस्टम ऑफिसर हो, इमिग्रेशन हो, वहाँ का हवालदार हो, वहाँ का पोर्टर हो, मतलब उन सभी के आँखों में इतना प्यार, इतना एफिनिटी मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ, और इसीलिए तब लगता है कि हाँ मैं अपने मायके चली आई हूँ। और ये पहली बार नहीं, मैं मतलब 14 साल अब अमेरिका में रह रही हूँ, लेकिन साल में कम से कम दो बार तो यहाँ आती ही हूँ। और जितने भी अलग अलग आयोजक हैं, बहुत सुंदर सुंदर कल्चरल यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे इनफैक्ट इंतज़ार करते हैं कि मैं कब आऊँगी, और मैं जब भी आती हूँ उनके लिए ज़रूर कार्यक्रम करती हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ जितने भी नई पीढ़ी के कथक नर्तक है कि जो अभी आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी मेरे इर्द गिर्द सारे जम जाते हैं, और क्या सोच के आए हो, क्या नया बनाया है, सब जानना चाहते हैं और मैं सबको सिखा कर जाती हूँ। जैसे
जैसे मैंने कहा कि एक एक दौर होता है, तो अभी फिलहाल सारी नई पीढ़ी को वेस्टर्न का दौर चल रहा है, हिप हॉप का चल रहा है, और इस मामले में मैं आचार्य रजनीश जी की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल मुझे जचती है। वो कहते कि किसी भी चीज़ का ओवर डू इट सो यू विल गेट फेड अप ऑफ इट, कि यही उन्होंने सेक्स के बारे में कहा था कि ओवर डू इट तो यू विल लूज इंटरेस्ट इन इट। अब जैसे वेस्टर्न का जब ओवरडोज हो जाएगा तो दे विल लूज इंटरेस्ट इन इट, और फिर ढूंढने लगेंगे कि अपने रूट्स क्या है, एंड आई एम श्योर दे विल कम बैक टू कथक, क्योंकि वो तो मुकम्मल है, वो तो हिलने वाला नहीं है, वो फाउंडेशन इतना सॉलिड है, और तब वो महसूस करेंगे कि अब यहाँ मैं वहाँ अमेरिका में प्रिंसटन जैसे यूनिवर्सिटी में जाके कथक पढ़ाती हूँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ की एक अमेरिकन स्टूडेंट, वाइट अमेरिकन स्टूडेंट जो मेरे पास आती है, वो कहती कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, और मैंने उसको पूछा अच्छा तेरा पीएचडी का सब्जेक्ट क्या है, तो उसने कहा मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट है अप्सरा। तो इस पर वहाँ काम चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ भी शुरू हो जाएगा, और फिर सारी किताबें खोल के बैठ जाएंगे, वो पुराने ग्रंथ निकालेंगे।